कभी हमने ऐसी कहीं पे कढ़ाई चखी ही नहीं। मेहमान और मेहमान वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज आपका मेजबान ऐसा था कि कितना नाजिर है, और जैसे कि आप अगर मेरे चैनल पे पहले से ही मौजूद है तो आप जानते हैं मेरे कजन को, मेरे दोस्त इजहान। हेलो, हाउ आर यू? गुड इजहान। तो इजहान, आज का जो ब्लॉग है गाइस, वो आज हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज इजहान हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी की बता दें, वीडियो तो एंड तक देखा भी ना आप, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, और आज का ब्लॉग गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स गो गाइस, तो चलते हैं फिर। आज यहाँ पे इन्होंने काफी जबरदस्त सेटअप किया हुआ है। ये इनका रायता है, और ये इन्होंने प्याज काट के रखी हुई है काफी बड़ी मिकदार में। सैलेड का सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे गाइस तंदूर लगा हुआ है, गर्मा गर्म ताज़ी ताज़ी रोटियाँ एट अ टाइम। एक दिन में कितनी रोटियाँ बना लेते हैं आप? एक दिन में कितनी रोटियाँ बना लेते हैं? 1200। माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी मिकदार में रोटियाँ बनती हैं यहाँ पे। कितने साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? छः साल हो गए। जिसमें मसाले कौन कौन से लगाते हैं? काली मिर्ची, जीरा, धनिया, गरम मसाला, भाई जान, हर तरफ कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मुझे, क्या बुरा नहीं जा रहा कि इनकी कढ़ाइयाँ टेस्ट करें। हमने अपने ऑर्डर दे दिए, हमारा ऑर्डर भी बन रहा है इनमें से। तो भाई, इनके बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है, कि मतलब मैंने तो आज तक ऐसा तरीका नहीं देखा कि मतलब इन पर। एक तो पहली चीज़ ये है कि इनकी कमाल की तो बात ये कि ये याद रखते हैं चीज़ को, कि किस कस्टमर की कौन सी कढ़ाई है। ये एक्सिस वाइज साइड में कर रहे हैं। बता, 3 किलो मुर्गी लेडीज की, 5-7 मिनट दो। चलो रोशन, और दूसरा इनका ये कि कढ़ाइयाँ इनको ज़बरदस्त, और लकड़ी की आग पे जो बनने वाली जो खुशबू है इसकी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बहुत ही पुराना स्टाइल चलता आ रहा है, जो कि आपको ज़्यादातर होटल्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको उन होटल्स में मिलेगा जो रोड साइड में होते हैं, जो कि गांव कोटों के एरिया में होते हैं। निपोखा से एक छोटा सा शहर है, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। आप इसमें क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? ये बंदे ज़्यादा हैं, 2-3 जगह दे रहे हैं। अच्छा, बंदे ज़्यादा हैं इसलिए 2-3 जगह दे रहे हैं।
यहाँ पे खान पे पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि इनके बंदे हैं, इनका नाम क्या है, सलमान नाम है इनका। तो हम कुछ बताएंगे कि यहाँ पे खान पे आप आए हैं, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या है, क्या कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? तीन चार मरतबा आया हूँ, ज्यादा नहीं आते। तीन चार मरतबा आने के बाद ही आप कह रहे हैं कि आप आए हैं, आए ही नहीं। जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की स्पेशलिटी आपको क्या लगती है? ये ब्राउन जो बनाया है इन्होंने, ब्राउन मटन का जो बनाया है, आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला, जबरदस्त। कभी हमने ऐसी कहीं पे कढ़ाई चखी ही नहीं। तो गाइस, जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ की जो ब्राउन कढ़ाई है बहुत ही फेमस है और यहाँ पे कितने सालों से ये लोग आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों को यहाँ आना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि हम कहते हैं कि हम लोग जरूरी नहीं कि आप कराची ही जाएँ, फूड स्ट्रीट मीपो कासिम स्ट्रीट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। पेशावर के बाद ये खान भी हम आए, हमने एक्सप्लोर किया और यहाँ पे हम आपने लोगों से रिव्यूज़ भी देखे। तो गाइस, अब हम आपको कढ़ाई का टेस्ट ट्राई करके बताते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी कढ़ाई वाकई इतनी फेमस है या फिर नहीं। तो गाइस, कढ़ाई अभी बन के आ चुकी है, गर्मा गर्म कढ़ाई आ चुकी है नान के साथ और रायता सलाद भी आ चुका है। ये गाइस पेशावरी कढ़ाई है और ये हमारे पास आ चुकी है लेमन कढ़ाई, तो जिसको हम ग्रीन कढ़ाई भी कहते हैं। सो गाइस, लेट्स टेस्ट। नान बड़े क्रिस्पी हैं, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये पेशावरी कढ़ाई। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है और चिकन गाइस काफ़ी सॉफ्ट है, जबरदस्त ग्रेवी में डिप करके। गाइस, बहुत ही मजे की है, इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आ रहा है पेशावरी कढ़ाई में थोड़ा सा, और थोड़ी सी तीखी मिर्च है और ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त। एक ग्रेवी ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनाई है। हम ट्राई करते हैं इनकी पेशावरी कढ़ाई जो कि लेमन की ग्रीन कढ़ाई वाली। सबसे पहले इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं और
मशरूम कढ़ाई में ट्राई की, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी यहाँ पे आए तो इनकी दो कढ़ाई, लेमन कढ़ाई जिसको जो ग्रीन कढ़ाई भी कहते हैं और पिशावरी कढ़ाई, दोनों कढ़ाई ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद हमें बताया और आपने वीडियो में कॉमेंट करके बताया कि आपकी जगह पर कौन सी कढ़ाई सबसे मशहूर है जहाँ पर मुझे विजिट करना चाहिए। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरी वीडियो शेयर करें। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।